हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उस आप देख रहे हैं सनरिव्यू पॉइंट। तो गाइस, पुष्पा टू की आज मैं आपको इस वीडियो में रिलीज डेट बताऊंगा और उसके बजट के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। सबसे पहले इस मूवी के स्टार कास्ट बात करें, इस मूवी के स्टार कास्ट में वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर इंडिया का अल्लू अर्जुन है, साथ रश्मिका मंदन है, फहद फासिल और सुनील है। इस मूवी का जो बजट बताया जा रहा है वो काफी ज्यादा बताया जा रहा है। मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे पता लगा इस मूवी का 400 करोड़ बजट है इंडियन रुपीज में। अगर उसको पाकिस्तान रुपीज में कन्वर्ट करो तो 1200 करोड़ के आसपास बन जाता है। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया सू कुमार ने हैं। इस मूवी का एक पहला पार्ट पुष्पा दी राय को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, वो पिछले 2021 में रिलीज हुआ था। अब पुष्पा टू का लोगों को जब का इस मूवी का टीजर आया, सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल है कि ये मूवी हमें कब देखने को मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले इस मूवी के जो मेकर नहीं कहेंगे, एक मूवी के मेंबर हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू दी है, उन्होंने कहा है मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि पुष्पा टू को हम जो पार्ट वन के रिलीज डेट पर रिलीज करें, यानी कि 17 दिसंबर को पहला पार्ट रिलीज हुआ तो वो 17 दिसंबर को ही कह रहे हैं कि इस मूवी के ज़्यादा चांस 100 से 99% चांस ये है कि पुष्पा टू 17 दिसंबर को रिलीज हो या दिसंबर के मंथ में रिलीज हो, ये कन्फर्म हो गया है। बाकी आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़।